अब तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ने का, इतना पढ़ लिया क्या करे। ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात हो रही है जो क्लास ओवर होने के बाद नहीं हो सकती? पढ़ाई करो। अब बात करने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। हाँ यार, मुझे भी बहुत बोर हो रहा है और ये क्लास ओवर होने में भी 20 मिनट्स बाकी हैं। इतनी बोरिंग क्लास है, मैं तो सो ही जाऊंगी। ये पीरियड बंक करते हैं। सही रही है। एक काम करते हैं, इस बार हम कुछ बड़ा करते हैं, जैसे स्कूल बंक। सही बोल रही है। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? अगर पकड़े गए ना तो सीधा स्कूल से रेस्टिगेट कर दिए जाएंगे। अबे ओ फट्टू, तू चुप रहे। हाँ, 10th क्लास वाली दीदी भी तो करती है स्कूल बंक, उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता। हम भी नहीं पकड़े जाएंगे। और वो 11th वाले भी तो करते हैं मास बंक, वो भी तो कभी नहीं पकड़े गए। मास बंक नहीं कर सकते, याद नहीं है क्या लास्ट टाइम क्या हुआ था? ओए मैम आ रही है, जल्दी चलो मास बंक के लिए। अबे चल ना, तू क्यों बैठा है यहाँ? मैं नहीं जा रहा कहीं। तू सड़ता रहे। मैं तो अपनी पढ़ाई करूँगा, जब मैम आएंगी ना तो एक एक की शिकायत करूँगा। सारे बच्चे कहाँ गए और तुम क्लास में क्यों बैठे हो अकेले? मैम सारे बच्चे बंक पे गए हैं बाहर ग्राउंड में। आज तो इनको छोड़ूंगी नहीं मैं। क्या करना यार पढ़ लिख के, इस अच्छा एग्जाम टाइम पे ही पढ़ लेंगे ना एक साथ सब कुछ। सच में अभी कौन पढ़ाई करता है। चलो चिड़िया उड़ खेलते हैं। हाँ चिड़िया, चलो उठो। उठो मैं खिलाती हूँ तुम लोग को चिड़िया उड़। चलो चलो हाथ आगे लाओ, हाथ आगे लाओ। अभी तो मैंने मारा भी नहीं, बता के लाओ। बहुत जोर लगी। नो मैम, सॉरी मैम, चलो हाथ करो। सॉरी मैम, सॉरी। चलो हाथ पीछे करो। मैम उठ गया। चलो हाथ आगे लाओ। एक और हाथ आगे लाओ, हाथ आगे लाओ। क्लास बंक करेंगे। आईना से ये सब नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, इस बार हम तीनों ही बंक करते हैं, पर पीरियड नहीं स्कूल बंक, क्या कहते हो? तो एक काम कर जीतू, तो जल्दी से कॉपी पेन लेके आओ, जल्दी से फुल प्रूफ प्लान बना के करेंगे। तो ये रहा हमारा स्कूल, ठीक है। अब ये पीछे की साइड है हमारा प्लेग्राउंड, यहाँ पे हमारा टीचर होते हैं, तो इनको क्रॉस करके पीछे की तरफ से इस दीवार से कूद के निकलेंगे, ठीक है। और इस साइड बहुत भीड़ रहती है, तो ये दोनों साइड कवर नहीं कर सकते, हम सब करेंगे पीछे वाले। ओके, तो यहाँ से कूद करके और वापस भी यही जाएंगे, इस साइड होती है हमारी स्कूल बस। डन डन, बहुत बढ़िया, क्या सॉलिड प्लान है। मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आया। क्या हो गया बेटा, क्या समझ नहीं आ रहा? ओह शिट, ओह शिट।
वो मम्मी ये दोनों मैथ्स में फेल हो गए थे ना, तो वही समझा रही थी, इन्हें पढ़ा रही थी। क्या करें, इसे कुछ समझ ही नहीं आता। टेंशन मत ले, जीतू बता देगी, इसके 98 मार्क्स आए थे मैथ्स में, बड़ी स्मार्ट है। बता दे बेटा। अच्छा बेटा, खुद तो तू फेल हुई है और यहाँ पे आंटी की नजरों में हम दोनों को फेल करके वो टॉपर बन के घूम रही है। तुझे तो मम्मी तो है नहीं आना, इतने सारे नोट लिए तो मम्मी को पता चल जाएगा। एक काम करती हूँ, एक नोट लेके निकल लेती हूँ। सॉरी भगवान जी, जब बड़ी हो जाऊंगी ना तो मम्मी को एक एक रुपया वापस कर दूंगी। बाय। मम्मी पैसे दे दो। ले। मम्मी आप रोज ना बस 20 रुपए देते हो, सारे बच्चे ना कैंटीन में जाके समोसे खाते हैं, मैं कभी भी नहीं खाती, आज तो मुझे आप 50 रुपए दे दो प्लीज। 20 रुपए फ्री के होते हैं, पेट भोग रहे 20 रुपए, ले रहे हैं तो ले, वरना जाओगे वापस, वापस देके जा। नहीं नहीं मम्मी बाय। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। थैंक गॉड किसी ने ध्यान नहीं दिया, बच गई। अबे डम्बोली कहाँ रह गई, हमें भी लेट कराएगी यार, इसके चक्कर में ना हम भी फंसेंगे। चल चलते हैं। अनु बेटा, हम ऑफिस जा रहे हैं, आ जाओ, तुम्हें भी छोड़ देते हैं स्कूल। ओह नो, पापा कहाँ से आ गए, अब तो स्कूल ही जाना पड़ेगा। Guys, I'm really sorry. मेरी वजह से तुम लोगों ने भी बंक नहीं कर पाए। बंक तो हम करके रहेंगे। कैसे? प्लान बी। मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। अब तू ये मत कहना कि तूने अपने बॉयफ्रेंड गोलू को भी बुला लिया है। यार वो बंक पे जा रहे हो ना, प्लीज मुझे भी ले चलो ना। नहीं, हम तुम्हें लेके नहीं जाएंगे, तुम चुगली कर देते हो। प्लीज प्लीज मुझे भी ले चलो ना, किसी को नहीं बोलूंगा मैं। तो मैं मना नहीं कर पाई। हाँ मैं नहीं बता, तू उसको अभी के अभी फोन करके मना कर, जब देखो तुम हमारे 20 मिनट पकड़ा था, साला कमीना कहेगा, हम नहीं चाहिए, अभी मना करना, चल अभी। हेलो। हाँ बेबी, वो सपना और जीतू ने मना कर दिया, तो तुम आज अकेले ही बंक कर लो, ठीक है? एक काम ढंग से नहीं होता इस लड़की से, टिफिन भी यही भूल गई है। चलो कोई नहीं, मैं इधर आती हूँ, इसी बार इसके टीचर से भी मिल लूंगी। चलो चलते हैं। अरे अरे हम ऐसे नहीं जा सकते ना अंदर, अगर किसी ने देख लिया तो पकड़े जाएंगे। चलो कपड़े चेंज कर लेते हैं, वॉशिंग। अब सब अपने अपने पैसे निकालो और फिर हम खूब मस्ती करेंगे। गाइस मेरी मम्मी ने तो बस 20 रुपए दिए हैं। कोई नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। चलो। Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies, tú pasas de mi nivel,
tú tienes el pique. La baila, brasilera canta a capela. Dime en portugués todo lo que quieres. Wow, qué te trae para ese caso, bachio, chalo. Qué pasa, ¿no? Guys, घर जाने का टाइम हो गया, जल्दी चलो चलो. नहीं 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 नहीं, घर नहीं जा सकते, मेरे पापा आएंगे स्कूल लेने मुझे. स्कूल जाना पड़ेगा. चलो पहले चेंज कर लेते हैं. हाँ हाँ, स्कूल ड्रेस पहन कर चलो. नमस्ते नमस्ते, बताइए. अरे वो जीतू ना आज टिफिन घर पे ही बुलाई थी, तो मैंने कहा मैं ही जाती हूँ जाके, फिर बहन आपसे मुलाकात भी हो जाएगी. और बच्ची पढ़ाई पढ़ाई में ठीक से चल रही है, ज्यादा तंग तो नहीं करती? हाँ हाँ, पढ़ाई में तो बिल्कुल सही है आपकी बेटी, बट बच्चे थोड़ी बच्चे ताने कर लेते हैं. क्या ही कर सकते हैं. तो मैडम जरा जीतू को बुला दीजिएगा. जीतू तो आज स्कूल ही नहीं आई है. क्या बात कर रही हो, सुबह स्कूल जाने के लिए तो घर से निकली है, आप कैसे बोल सकते हो स्कूल नहीं आई है. अरे आज स्कूल नहीं आई है तो मैं नहीं आएंगी बोलूंगी ना. मेरी बच्ची कहाँ गई? मेरी किस बच्ची को मारी तुम लोगों ने? क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे बुढ़ापे का सहारे इतनी उम्मीदें लगा के बैठे हम उस बच्ची से. मैम मैम. हाँ बोलो. मैंने आज सुबह देखा था जीतू, सपना, अनु आज सुबह स्कूल की वो जो ग्रिल नहीं है ना, उसको फान के स्कूल बंद कर दिया उन्होंने. सुन लिया आपने? कहीं नहीं गया आपके बुढ़ापे का सहारा, बंद करने गए स्कूल से. क्या सिखाना आप इनको स्कूल में? फोन करेंगे ना? अभी मैं बच्चों के घर पर फोन लगाती हूँ. हेलो, सपना की मम्मी, बच्चे स्कूल की दीवार फांक के भाग गए. बंक कर रहे हैं उन्होंने, फांक कर. अब जल्दी से स्कूल आ जाइए. हेलो अन्नू के पापा, भाई साहब बच्चे स्कूल की दीवार फांक के भाग गए हैं, आप जल्दी से स्कूल आ जाइए. बताइए टीचर क्या क्या बातें कर रही है, जल्दी आ जाइए. मैडम चलिए, बच्चों को ढूंढना भी तो है, आप लोग की जिम्मेदारी को समझिए या नहीं. ये वाले यार वो सीढ़ी अभी तक हो गई है, कार्ड भी हटा दिए होंगे. कुछ कोई बात नहीं, तुझे घोड़ी बना के चढ़ लेंगे. वैसे मुझे लगता है कि अभी तो होगी, कौन देखेगा यार. साइड है, अभी छोड़ो यार. पापा, मम्मी, कैसे पता चल गया? एक मिनट मुझे भी आने दो. तो आप बताओ, आपने कभी स्कूल बंक किया है क्या? और इस पूरे वीडियो में जितने भी सीक्वेंसेस हैं, आपने उससे रिलेट किया क्या? कौन सा सीक्वेंस आपने किया है अपने रियल लाइफ में, वो भी हमें कमेंट्स में बताना. तो बस मैं वीडियो को ढेर सारे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सबके साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना. और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय.